जिसको चौपाटी बड़ी पसंद है वो जा करके पाव भाजी का ठेला लगाए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये सदन में होगा। मुकेश जी साथ स्टूडियो में होंगे और एके मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट। एके मिश्रा जी, मुंबई की सड़कों पर अगर हिंसा हो जाए, जंग अगर छिड़ जाए, तो फिर तो मुझे लगता है कि वहां की आवाम के साथ भी ये धोखा है। संजय राउत का ये कहना है कि शिवसैनिक आग का गोला है, आग के साथ मत खेलो वरना जल जाओगे। देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक संकट है और संविधान के नियमों के अनुसार विधानसभा में ये निर्णय होना चाहिए। अब जो ये बोल रहे हैं कि भाई वहां से आपको चौपाटी पे आना, गुवाहाटी से आपको चौपाटी में आना पड़ेगा, चौपाटी पे आना पड़ेगा, तो चौपाटी पे तो ठेले लगते हैं पाव भाजी के, तो पाव भाजी का ठेला लगाना है कि संविधान में सदन में ये चीज वहां पे परेड होगी, पक्ष की विपक्ष की किसके पास कितना है। रही बात संवैधानिक संकट जो आया है वो करंट सरकार के ऊपर आया है, महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर आया है, प्रश्न चिन्ह विश्वसनीयता पे उनके सरकार पे लग रहा है। उनको लगता है कि वो इतने मजबूत हैं तो वो सड़क पे क्यों फैसला कर रहे हैं, जाके राज्यपाल के सामने परेड करवा दे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के सामने परेड करवा दे और बोले कि हमारे पास पूरी संख्या है, हम सरकार वो पर सरकार बनाने के लिए सड़क पे उतरने की जरूरत। अरे ये कोई क्या दो गैंगवार हो रही है क्या दो लोगों के बीच में? और एक ऑब्जेक्शन और उठा रहे हैं कि भाई गुवाहाटी में ये लोग क्यों रह रहे हैं। सवाल ये है, पूरे भारत में जो आदमी अपने आप को जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित करेगा वो रहेगा। आप गारंटी लेते हैं बॉम्बे में जो चीजें हो रही है ये नहीं है तो इनके परिवार के ऊपर हो रहा है, कौन गारंटी लेगा मुझे आप बताइए? इतना असुरक्षित बॉम्बे हो गया है, बॉम्बे एक सबसे सेफेस्ट शहर माना जाता था, तो जिसको जहां मिश्रा जी आप ये कहते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह क्या गुजरात ही है, राजस्थान के विधायक जब निकलते हैं तो गुजरात चले जाते हैं, वहां कर्नाटक के बागी विधायक गुजरात चले जाते हैं, महाराष्ट्र के बागी विधायक गुजरात चले जाते हैं, पहले वहीं केवल सुरक्षित महसूस करेंगे वो। वो उसको हरकतें दिख रही है ना, आप मुझे बताइए संवैधानिक संकट का समाधान सड़क पे होता है तोड़फोड़ करके होता है? कोई पैनलिस्ट मुझे बोल दे कि संवैधानिक संकट का समाधान सड़क पे तोड़फोड़ करके संख्या बल करके होता है? कोई बताइए ना, पांच पांच पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कोई बोल दे कि सरकार के ऊपर अगर कोई संवैधानिक संकट आ गई है तो उसका फैसला सड़क पे होगा जो संजय राउत बोल रहे हैं? कर दे कोई समर्थन, कोई बुद्धिजीवी समर्थन कर दे, मैं चुनौती देता हूं, कर दे आपके चैनल पे समर्थन कि हाँ जी सरकार का बनेगी या नहीं बनेगी, किसकी बनेगी, इसका फैसला सड़क पे होगा, करवाइए किसी से समर्थन। ठीक है मिश्रा जी, अपने जाइए मना के ले आइए ना, उनसे क्या दिक्कत है, वर्षा छोड़ने की क्या जरूरत है, वर्षा की जगह आप गुवाहाटी चले गए होते, अपने लोगों को मना करके ले आए होते, क्या इतनी सही सुरता नहीं है? मना के नहीं ले आ पा रहे तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना। एके मिश्रा जी, नहीं मना के ला पा रहे तो भाई केंद्र सरकार की कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? अगर आपको लग रहा है आप लोग कह रहे संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति ला गई तो लगाइए राष्ट्रपति शासन या तो कराइए फ्लोर टेस्ट, उस मामले में इतना लंबा शिवसेना रिकमेंड कर दे कि भाई हमसे नहीं समझ रहा, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, एमबीए डिक्लेयर कर दे कि हमसे नहीं समझ रहा, राष्ट्रपति शासन लगाइए आप। भाई एमबीए क्यों डिक्लेयर करेगी ये चीजें बताइए, नहीं आप अगर ये आलोचना कर रहे हैं कि वहां पर नहीं, ये कौन आलोचना कर रहा है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है? आपको लगा है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है? वहां पे करंट सरकार बेकार हो गई है, किसके लिए है करंट सरकार, वहां पे शासन नहीं संभाल पा रही है इसलिए राष्ट्रपति। अरे तो इमरजेंसी कैबिनेट बुलाइए और गवर्नर को रिकमेंडेशन दे दीजिए आप, अगर आपको लग रहा है कि स्थिति खराब हो गई है। वो पक्ष मैं तो आप लोग मान लो कि चलिए आप लोगों के आरोप सारे सही हैं, आपको बोलना है सारे सारे आरोप लाल जी आप एनडीए की जनता से कांग्रेस से ये डिक्लेयर कर रहे हैं पार्टी की ये जो वहां पर कार का चला रहे हैं उसकी कोई जमाल पाया नहीं है आप लोग बोल रही है उतने राष्ट्रदर्शक बन लगाए मैं 2 मिनट में राष्ट्रपति शासन लगवा दूंगा बताइए हमारा क्या बोल मिश्रा जी लगा दीजिए मैं आपको लग रहा है कि वो परिस्थितियां है लेकिन आप नहीं लगा रहे हैं। नाना सुनिए मुकेश जी, मुकेश जी गुवाहाटी के जिस होटल में नेता लोग ठहरे हुए हैं वहां पर कोई विपक्ष का नेता भी नहीं जा सकता, केवल बीजेपी के मंत्री नेता वहां पर जा सकते हैं, मीडिया कर्मियों की एंट्री पर बैन लगा है, तो क्या केवल बीजेपी के नेता ही शिंदे गुट से मुलाकात कर सकते हैं, विपक्ष के नेता शिवसेना के नेता क्या मनाने के लिए वहां पर नहीं जा सकते हैं?
ये बताइए आपकी डिबेट है, कौन आएगा ये म्यूचुअल डिपेंड करेगा हमारे और आपके ऊपर। अरे आपकी पार्टी वहाँ पर है, आपका राज्य आप कह रहे हैं वहाँ के बारे में पता ही नहीं है। म्यूचुअल रिलेशनशिप वहाँ पर क्या घटनाक्रम चल रहा है इस बारे में तो आप जान रहे हैं। इस पर कोई वो क्वेश्चन नहीं है कि उनसे मिल रहे हैं तो उनसे नहीं मिल रहे हैं तो उनसे नहीं मिल रहे हैं। अभी ये मिलने मिलने की बात छोड़िए, बहुत सेकेंडरी इशू है। इशू ये है कि संवैधानिक रूप से रेसिडेंशियल जो लगेगा वहाँ पे वो सिर्फ गवर्नर का अधिकार है, उसमें बीजेपी या कांग्रेस या नहीं, नहीं मिलने की बात कैसे छोड़ दी जाए। राहुल जी आपको लगता है कि मिलने से ही तो बात बनती है? देखिए जब मिलने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर आगे बात क्या बनेगी? जो कई सारे विधायक वहां से लौटे हैं और उन्होंने जो चीजें बताई हैं, ये देखिए तो ये कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी का आपके कई नेताओं के ट्वीट आए हुए हैं, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो विधायक जो है कि भगवा हुए हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ भगवा क्या हुए हैं वो, आप लोगों ने तो भगवा को ही अगवा कर लिया। आप लोगों ने कई सारे लोगों ने जो आपकी पीड़ा बताई है वो पीड़ा भगवा को कौन अगवा कर सकता है साहब? ये ठीक है, भगवा जो है वो अपमान हो रहा है। भगवा मैंने हमेशा अनंत आप लोगों का सारा आरोप है, किसी की हिम्मत नहीं है। राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगा रहा है, राष्ट्रपति शासन भी आप लोग नहीं लगा रहे। कोशिश कर सकते हैं कि आप लोगों को सही है डिबेट में भी आप भगवा के सवाल करना चाहते हैं। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर अगर पूरा होता नहीं है तो वो स्थिति नहीं है। आपके पास संख्या बल भी नहीं है, आप संख्या बल होता तो आप फ्लोर टेस्ट भी कराते, आप इसलिए फ्लोर टेस्ट कराने से भी बच रहे हैं। तो मामला स्पष्ट है कि केवल इस पर राहुल लाल जी आपके जवाब पे कुछ कह रहे हैं कि मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं कि मिश्रा जी बोलिए। सरकार बनानी है वो फ्लोर टेस्ट कराए जो चिल्ला रहा है, सरकार बनी हुई है, एके मिश्रा की सरकार बनी हुई है, जिनको बनानी है वो कराना फ्लोर टेस्ट। एमवीए की सरकार तो बनी हुई है, वो क्यों कराएगी फ्लोर टेस्ट? आप मुझे बताइए भाई, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है तो कॉन्फिडेंस के हाथ में पक्ष का वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी आखिर आप लोगों की कुछ है या नहीं? हम जाननी चाहिए थी अगर FIR हुआ है तो महाराष्ट्र की पुलिस कई केसेस में दिल्ली पहुंच गई थी, नुपुर शर्मा के केस में गुवाहाटी क्यों नहीं पहुंच रही है? सरकार एनडीए की है, पुलिस भेज दे उनको छुड़ा करके ले आए। अरे ये बातों का किला बना रहे हैं, बातों का कोई किला नहीं बन रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई नहीं नहीं इस मामले को आखिर लंबा खींच के क्या मिल रहा है? आपके पास इतिहासी अब तक सवाल पूछा है आपसे भाई, अगर आपके पास नंबर है फ्लोर टेस्ट कराने का, आपके पास नंबर नहीं है आप फ्लोर टेस्ट कराने से बच रहे, इसका मतलब है कि इस समय तक और जो नंबर दुनिया को दिख रही है काफी पुराना नंबर दिख रहा है आपके पास नहीं है। और जहाँ तक पॉलिटिकल स्थिति है वहाँ पे अपने विधायकों का मामला छोड़ दीजिए, जिलाध्यक्ष विकास उसके ये मामला जो ऑपरेशन वो है इसी कारण पाव भाजी का ठेला लगाइए, जिसको चौपाटी बड़ी पसंद है वो जा करके पाव भाजी का ठेला लगाए। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये सदन में होगा। मुकेश जी।